और टाटा में अगर आप इलाज करवा रहे हो तो आपको पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, पैसे की तो हर जगह ज़रूरत होती है, बट जो लूट चलती है, कुछ हॉस्पिटलों में लूट चलती है, मुझे नहीं पता अभी किस हॉस्पिटल में चलती है, मैं नाम भी नहीं ले सकता, तो वो सब यहाँ पर नहीं है। भैया भी बोल रहे हैं छोले भटूरे हैं, और ये भाई हाई कर रहे हैं तो हाई कर लो सभी, और अंदर पता नहीं क्या है। तो ये फास्ट फूड है, ये भाई सब लोग हाई कर रहे हैं। और ये फ़ोन मिलते हैं भाई चोरी के, मैंने बताया ना डमी फ़ोन मिलते हैं, आईफोन तो डमी भी मिलते हैं, चोरी के भी मिलते हैं, तो मत लेना यार, फंस जाओगे किसी दिन, तो एक ही सजेस्ट करूँगा मत लेना। तो कल हमारा ऑफिस टाइम में हम आए नहीं थे, आज हम ऑफिस टाइम पर आए हैं, और रिफंड मैडम से मैं रिफंड लेंगे और फिर जाएंगे। तो हम आए अभी ऑफिस, और ये रहा हमारे पास पर्चा रूम का, तो जल्दी से रिफंड लेते हैं, नहाते धोते हैं फिर जाते हैं आराम से। ट्रेन के लिए भी, ट्रेन भी पकड़ना चाहिए ना, मतलब सपड़ाना चाहिए, अगर ट्रेन छूट गई तो फिर तो हमारी दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमने अभी नहा लिया है और बस निकलने की तैयारी है, हमने अभी नहा लिया है और निकलने की तैयारी है। ये रहा हमारा बैग और थोड़ा सा सामान पड़ा है, ये पूरा बिस्तर पर सब इसको अरेंज करके और बैग में भर के और बस निकलना है। चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए भगवान हम लोग को सब छुट्टी देता है, जल्दी दे देगा भगवान। तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम लोग निकल गए अपने रूम से, ये रहा मेरा बैग और ये रही मम्मी, और हम चले अब। तो बाय बाय सभी को, बैग भारी है यार। ठीक है ना, बाय बाय, खाओ खाओ आराम से खाना। तो भाई को भी बोल दिया बाय बाय, और हमारी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, वजन थोड़ा भारी है तो ठीक है चल जाएगा। ये आ गई हमारी लिफ्ट, और ये रहा हमारा बैग, और ये रही मम्मी। चलो नीचे जाके हम रिफंड लेते हैं, फिर चलते हैं जो हमने कॉशन जमा किया था, उसके बाद फिर टैक्सी करते हैं चलते हैं। हाँ तो ये आ गई लिफ्ट, और ये चले हम, ये दबाए हमने जीरो, और पहले जैसे दबाते थे पिछले व्लॉग में देखा होगा कैसे हम जीरो को दबाते हैं, चार को दबाते हैं। तो निकल रहे हैं हम लोग अभी नागपुर के लिए, वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के जाएंगे, तो यहाँ से तो हो गया। चलो तो यहाँ आ गए हम काउंटर में, अभी ये है हमारा काउंटर, मैडम बैठेगी यहाँ, वो लोग देंगे रिफंड। हाँ यहाँ से अभी परमानेंट छुट्टी मिले तो भैया बता रहे कि यहाँ से ऐसे जाने का, ये पूरा अच्छा है। बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ
रहने में तो बहुत मज़ा आता है यार, हम लोग तो रहे, काफ़ी अच्छा रूम है सस्ते में एकदम। तो चलो अभी रिफंड लेते हैं फिर चलते हैं। तो अगर आप पेशेंट हो तो सब कुछ अच्छा है, और यहाँ भैया का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, सभी का, जितने भी लोग होते हैं उनका सबका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और मुझे अभी जा रहा हूँ तो भैया बोलते बना लो जो बनाना है, तो ठीक है। तो कुछ प्राइवेट पेशेंट वाले भी यहाँ रहने आए हैं, जनरल वाले भी रहते हैं, जनरल वाले सारे, ज़्यादातर जनरल वाले रहते हैं, प्राइवेट वाले के लिए भी अलग फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो हम तो यार 12 दिन रहे, हमको बहुत अच्छा लगा, क्लीन, नीट एंड क्लीन और सब कुछ अच्छा था। मुंबई में इससे अच्छा कुछ मिल जाए मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, इससे अच्छा तो कुछ मिलेगा मुझे नहीं लगता, बहुत महंगा है। भैया भी बोल रहे हैं बहुत महंगा है। तो हम लोग निकल के आ गए हैं, और ये मम्मी बैग खींच रही है, और दादर जाना है, हाँ दादर स्टेशन जाना है, तो भैया के साथ जा रहे हैं टैक्सी में। चलो कितना लग जाएगा चार्ज अनुमान? 150 रुपये खुल जाएगा। 150? तो भैया बोल रहे हैं 150 के अनुमान लग जाएगा, वो तो मीटर है, फिर मीटर के हिसाब से चलेगा। आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ उधर ही से, किधर ही से भी बैठ जाओ, ऊपर रखना है, अंदर ही बन जाएगा क्या? और क्या, लाओ तो हटो, नहीं आएगा। तो ये है मम्मी और ये है टैक्सी, हम लोग जा रहे हैं, अब बैठो जाओ बैठो। तो मैं बैठ जाता हूँ सामने, ये भैया बॉटल दे दे। तो ये बैठ गए हम गाड़ी में और चले दादा। चलो भैया थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं। दादा सेवा ग्राम ये कहाँ जाएगा, गुजरात साइड जाएगा? नहीं नहीं गुजरात साइड नहीं, ये नागपुर जाएगा। नागपुर सेंट्रल से होगा? नहीं सेंट्रल से नहीं है, सीएसएमटी से है। सीएसएमटी? और दादर सीएसएमटी मतलब वो जो टर्मिनस है? हाँ वही वही शिवाजी टर्मिनस। हाँ वो सेंट्रल का ही बोलेंगे। अच्छा सेंट्रल का ही बोलते हैं? हाँ उधर मंदिर है, हनुमान मंदिर है। अच्छा तो ये हो गया हमारा मीटर चालू, इसके अनुसार पैसे देंगे। अच्छा ओला उबर वाले चलते हैं यहाँ पर? उनका तो ज्यादा चार्ज होता है ना? हाँ मीटर से ज्यादा चार्ज होता है उनका, तो ओला उबर वाले का मीटर से ज्यादा चार्ज होता है। अगर किसी को जाना है तो सिंपल सा ये टैक्सी पकड़ो और चले जाओ। अरे तो मुंबई को बाय बाय कहते हुए, मतलब हमारे जो हम जहाँ रुके थे उस रूम को बाय बाय कहते हुए हम चलते हैं। हम जहाँ रुके थे अर्नेस्ट बोर्गेस करके होम है, तो वहाँ के लोगों को सभी को बाय बाय, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। एंड वहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी फैमिली बिहेवियर है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या ही बोलूँ मैं। 70 रुपये पर डे का लेते थे, तो काफ़ी अच्छा है यार, मुंबई में तो इतना मिलेगा नहीं। अभी भैया से पूछो, क्यों भैया 70 रुपये पर डे का रहने का मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या है, ये ट्रस्टी का है ना? हाँ ये ट्रस्टी का है, भैया भी बता रहे कि ट्रस्टी का है। अगर उनको रुकना है तो उनको वहाँ परमिशन नहीं है, जो पेशेंट होते हैं वही बस रुक सकते हैं। हाँ तो जो कैंसर पेशेंट है, जो ये सोचते हैं कि यार हमको मुंबई जाएंगे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ये लगेंगे, तो नहीं लगता है उनके लिए ना, उनके लिए ट्रस्टी है। हाँ भैया भी बता रहे हैं कि उनके लिए उनको छूट है, भैया बोल रहे हैं कि उनको छूट है, और लोग बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, जो भी डोनेशन आता है तो वो इन ट्रस्टों में यूज़ होता है। हम जो जैसे हम करते हैं ना अपने सिटी में, जहाँ भी डोनेशन का कैंप लगता है वहाँ डोनेट करते हैं, तो वो वाला पैसा यहाँ यूज़ होता है, तो डोनेशन भी देना चाहिए, बहुत सस्ती है और सस्ता भी बहुत अच्छा है। और टाटा में अगर आप इलाज करवा रहे हो तो
आपको पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, पैसे की तो हर जगह ज़रूरत होती है, बट जो लूट चलती है कुछ हॉस्पिटलों में, लूट चलती है, मुझे नहीं पता अभी किस हॉस्पिटल में चलती है, मैं नाम ही नहीं ले सकता, तो नहीं है तो वो सब यहाँ पर नहीं है। भैया भी बोल रहे हैं तो वो सब यहाँ पर नहीं है, जो लूट चलती है वो बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट अच्छा, मतलब इनकम सर्टिफिकेट में आपको बता देते हैं कि पैसे नहीं है आपके पास या आपका इनकम उतना अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ फ्री हो जाएगा। और जैसे बच्चों का है तो बच्चों का भी काफ़ी स्कीमों में हो जाता है फ्री इलाज। तो ये नहीं सोचना है कि पैसे खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, और रहने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, सारा अरेंज हो जाता है। तो कैंसर अगर पेशेंट हो तो इलाज करवाने आओ। टाटा के सामने देखो तो खाना देते हैं, बांटते हैं, दवा देते हैं। ये अंकल बोल रहे हैं टाटा के सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पर खाना बांटते हैं, और ये बात सही है। आप अगर वहाँ दिन में हो तो आप वहाँ भूखे नहीं रह सकते, बिना पैसे के आप रह सकते हो, और वहाँ खाना बांटने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आते हैं वहाँ खाना बांटने वाले, आते हैं बहुत सारे आते हैं, खाना भी सब देते हैं गरीब के लिए। हाँ, और मेडिसिन भी देते हैं कुछ कुछ, तो मेडिसिन भी देते हैं ऐसा सुना मैंने, पर मैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मेडिसिन को, पर खाना को लेके मेरा एक्सपीरियंस है, खाना भी अच्छा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि अपन 5-star होटल में जाके और खाना खाएं और यहाँ से कंपेयर करें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना। और 50 रुपये में मैं जहाँ खाता था अभी कैंटीन में 50 रुपये में इतना अच्छा खाना, मुंबई में मुझे 200 रुपये या 100 रुपये, कम से कम 100 रुपये तो लगेंगे चलेंगे, और वो 50 रुपये में मेरा काम कर देते थे। ये अच्छी चीज़ है यहाँ की। तो अगर आप पेशेंट हो और आपको इलाज करवाना है तो बिना पैसे के आप करवा सकते हो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप आओ और इलाज करवाओ। ट्रस्ट से हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो नहीं होती है ट्रस्ट से, काफ़ी कुछ इलाज हो जाता है कवर ट्रस्ट में, बहुत सारा पैसा मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो अपने को लगाना ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपने को लगाना पड़ेगा। हम ब्रिज में अभी रुके हैं सिग्नल में, और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हमारी ट्रेन है सेवाग्राम करके, ट्रेन का जो नाम है वो सेवाग्राम है। दादर से हमारा जो टिकट है वो CSMT से है, बट हम दादर से बैठेंगे क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट स्टेशन है वो दादर पड़ेगा, तो हम दादर से बैठेंगे। अच्छा, CSMT जाएंगे तो वो पास पड़ेगा या फिर दादर पास पड़ेगा? तो भैया भी बोल रहे हैं दादर ही पास पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं ना CSMT में BGP आएगा, वो लास्ट में पड़ जाता है, वहीं से छूटेगा ये। हाँ, वहाँ से दादर आएगा, CSMT से छूटेगा और दादर आएगा। हाँ, तो वो एक ही स्टॉप है, CSMT से छूटेगा, दादर आएगा, दादर के बाद शायद कल्याण जाएगा, कल्याण में रुकेगा, बाकी फिर बीच में कहीं नहीं रुकता है क्योंकि लोकल चलता है, तो लोकल को भी अपना एक अलग सिस्टम है, तो यहाँ लोकल चलता है इसलिए वो बीच में नहीं रुकता है। है तो स्टेशन बहुत सारे हैं। हाँ नहीं, कल्याण तो ऐसे बड़े बड़े स्टेशनों में बस रुकता है, मतलब ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। गाड़गे आश्रम, वो हाँ मैंने गाड़गे के बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छा आश्रम है, आश्रम में मतलब ट्रस्ट है वो भी, तो BJP ऑफिस के बाजू में है गाड़गे आश्रम, बहुत आदमी रहते हैं वहाँ पर, बहुत लोग रहते हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस है सब चीज़ के लिए, बहुत नॉमिनल चार्जेस है। अब और क्या, और लोग तो वहाँ फुटपाथ में भी रहते हैं, काफ़ी लोग फुटपाथ में रहते हैं भाई, जिसके पास अगर मान लो दिन का 25-30 रुपये भी नहीं है तो उनको मजबूरी में फुटपाथ में रहना पड़ता है, और रहते लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने वीडियो बनाया, देखना मैं डाल दूंगा इसमें। खैर अच्छा है, बहुत अच्छा है, इलाज होगा और ये लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे लिए, पूरे इंडिया में ये लास्ट ऑप्शन बचता है टाटा हॉस्पिटल। तो अब देखते क्या होता है, हमारा तो आज हमको छुट्टी मिल गई है, 3 महीने बाद का रूटीन चेकअप है,
तो 3 महीने बाद आना है हमको, और जेनेटिक का भी टेस्ट करवाया है तो, और जेनेटिक का टेस्ट भी हमको ट्रस्ट से ही हुआ है, हमको पैसे नहीं लगे हैं थोड़े एफर्ट्स। अगर अपने को ट्रस्ट के अगर अपने को ट्रस्ट का यूज करना है ना, तो अपने को थोड़े तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़े तो जाके उनको बताना पड़ेगा कि हम हमारे पास उतनी इनकम नहीं है या फिर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट हम दिखा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट से सारा काम हो जाएगा। बहुत सारे ट्रस्ट हैं, आप हर ट्रस्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो, और सिस्टम ये है कि आप कैश नहीं ले सकते हो, ठीक है, और ना आपके नाम का चेक भी नहीं बनेगा, मतलब वो जो चेक बनेगा वो टाटा हॉस्पिटल के नाम का बनेगा, ना कि अपने नाम का बनेगा, तो उस पैसे को हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हमारे इलाज के लिए वो पैसा पूरा यूज़ होगा, और अगर कुछ बचता भी है तो वो ट्रस्ट को वापस चला जाएगा या फिर वो टाटा हॉस्पिटल को चला जाएगा, तो वहाँ टाटा हॉस्पिटल को जो टाटा हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है वो उनको रिफंड हो जाता है, हमको रिफंड नहीं होता है, है ना। तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, मुंबई आ रहे हो इलाज करवाने तो सब कुछ पॉसिबल है, प्राइवेट में करवाना चाहते हो प्राइवेट में करवा सकते हो, जनरल में करवाना चाहते हो जनरल में करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बुराई करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बुराई करने वाली चीज़ होती है तो मैं बताता, बुराई करने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, बुराई करने वाली चीज़ ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं तो अपना जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तो नंबर से काम चलता है, तो 3 महीने 2 महीने ऐसे लग सकते हैं किसी को भी अपॉइंटमेंट लेने में, अपॉइंटमेंट में, ये तो ये उनकी गलती नहीं है ना, हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं है, ये पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके कारण ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हाँ, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट करें तो इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ पर डॉक्टर और डॉक्टर को वहाँ पर पोस्ट करे और वहाँ पर जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाए, तो उसके लिए भी उन्होंने किया है। खारघर में एक मतलब टाटा का मतलब खारघर में उन्होंने टाटा की एक ब्रांच खोली है, ठीक है, तो लोग वहाँ जाते नहीं है, यहीं करवाते हैं, तो ये प्रॉब्लम अपनी है उनकी नहीं है, मतलब उन लोगों ने तो अच्छा खासा किया है ना, खारघर में उन्होंने एक ब्रांच खोला है टाटा का, वहाँ भी वो ऑपरेशन कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये सब वहीं देते हैं, यहाँ भी देते हैं, इलाज वहाँ भी होता है यहाँ भी होता है, और सारा प्रोसेस सब वैसे ही, बट क्या हमारा बिलीव हो गया, हम टाटा पर जो यहाँ का परेल वाला जो टाटा है मुंबई में उस पर हम बिलीव करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हैं। तो बुराई वाली यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट है तो नंबर बहुत लेट लगता है, और इलाज टाइम टू टाइम होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तो अभी हम हैं धारावी में मुंबई में, और अंकल जी बोल रहे हैं कि ये एशिया में नंबर 1 की झोपड़पट्टी है, तो इतनी बड़ी झोपड़पट्टी कहीं है ही नहीं, इससे बड़ी झोपड़पट्टी कोई है ही नहीं बोल रहे हैं, तो हम हैं धारावी में। हालांकि यहाँ पर अभी बिल्डिंगें बन गई है, क्यों काफ़ी बिल्डिंग है, ये जो पीछे है मुझे लग रहा है बिल्डर्स ने इसको बना के दे दिया है, धीरे धीरे चालू होगा। हाँ, ये झोपड़पट्टी ख़त्म होने वाला काम धीरे धीरे चालू है, और बिल्डिंगें बना के दे रही है सरकार, और सरकार ही देती ना, सरकार बना के दे रही है, तो धारावी का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अभी ट्रैफिक लगा यहाँ पर और हम लोग रुके हुए हैं, ये देखो पीछे पूरी गाड़ियाँ लगी है बहुत दूर तक, और इधर सामने भी बहुत गाड़ियाँ लगी हैं। खैर, ट्रैफिक तो मुंबई में है ही, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि जो दिल्ली में चला था ऑड इवन वाला सिस्टम, तो वो भी कहाँ उतना सक्सेस कहाँ हुआ है, दिक्कत तो उनको आ जाएगी जो टैक्सी चलाते हैं, उनको दिक्कत आ जाती ना, फिर वो ऑड इवन में कैसे चला सकते हैं। अब जिसकी पर्सनल कार है भाई, क्यों कार लेके आना, इतना कॉमन सेंस उनके अंदर होना चाहिए, अगर कोई और साधन से अपन जा सकते हैं तो उस साधन से चले जाओ। अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट बाकी है, पूरा धारा भी है और ये इधर साइड भी है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट बाकी है और काफ़ी हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है काम। पूरा झोपड़पट्टी, अभी ये बिल्डिंग बनी है, तो धीरे धीरे सब काम चल रहा है।
दारा भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा अपन मीठी रिवर जाएंगे क्या अभी? मीठी रिवर, मीठी नदी, मीठी नदी। तो अंकल भी बोल रहे हैं जिसने नाम रखा है, कैसे नाम रख दिया मीठी रिवर का, वो मीठी के नाम पे मीठी है, पूरी मीठी है, उसमें जितना शक्कर डालो उतनी कड़वी होते जाएगी वो, ये सीन है उसके साथ। और ये कौन सा है? सुलोचना सिटी मार्ग, साइन हॉस्पिटल। हाँ साइन हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल ना, साइन हॉस्पिटल है इधर। और ये सुलोचना सिटी मार्ग है मुंबई में। और यहाँ पर ये स्टैच्यू लगा हुआ है बाबा साहब अंबेडकर का, हालांकि दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर है। और इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन का, इलेक्शन का जो है वो फाउंडर, जो इलेक्शन के फाउंडर हैं वो है बाबा साहब अंबेडकर, तो काफ़ी अच्छा है। और ये भी ट्रस्ट है ना, ये मोदी का दवा है, ये ट्रस्ट है ना? अच्छा मोदी के नाम से वो मेडिकल स्टोर खुली है, भैया बोल रहे हैं वो मोदी के नाम से मेडिकल स्टोर खुली है। मैं सोचा लाइन लगी है तो हो सकता है ट्रस्ट हो, खाना वाना देता हो, यहाँ पे दवा मिलती है मोदी के नाम से, कार्ड है ना। अच्छा दवा जितना लेना उतना लेके जाओ, तो भैया बता रहे हैं कि जितना दवा लेना उनके उनके खाते से जाएगी, सरकार से खाते से जाएगी, आयुष्मान से। तो पता नहीं यहाँ पर क्या यूज होता है, क्योंकि आयुष्मान तो होना ही होना है, बट हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र वालों के लिए ज्योतिबा फूले करके कार्ड बनता है, तो उससे भी होता है। वो जो स्टोर है वहां से हम ले सकते हैं दवाइयां जितनी चाहे उतनी, जो लग रही है। अब ऐसा नहीं है कि अपन जो लग नहीं रही उसको भी ले लो, ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर मेडिकल स्टोर वाले वहीं से जाके लेंगे ना फ्री वाला और अपनी दुकान में लाके बेचेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इतना है कि जो लग रही है डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, मतलब अपने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है वही वो देंगे और फ्री मिलेगा, हो सकता है नॉमिनल चार्जेस हो, ज्योतिबा फूले में थोड़े नॉमिनल चार्जेस हैं, पर सारी चीजें हो जाती है। तो यार जो लोग अभी, मैं जैसे मैं एमपी से हूँ, मुझे ना एक ही पेशेंट मिला है एमपी से, और मैं हूँ और वो एक मिला था, और जब मैं पिछली बार आया था तब एक पेशेंट था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई हमारे जो एमपी के लोग हैं वो इलाज, जैसे कैंसर का नाम सुना और इलाज करवाना कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है बचना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो हमको एफर्ट्स डालना चाहिए अगर हम लोग कैंसर के पेशेंट हैं, और थोड़े एफर्ट्स की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं है। पैसे नहीं है तो हो जाएगा इलाज, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, डॉक्टर भी थोड़ा वो कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, मतलब ट्रस्ट वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं, मतलब ट्रस्ट वालों से वो कांटेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो वो थोड़ी हेल्प कर देंगे। लोग यहाँ सारे हेल्प करने के लिए बैठे हैं, मैं बताऊँ, मैं तो ये देखा हूँ कि पेशेंट चाहता है कि मैं, मुझे सब लोग हेल्प करें, पर पेशेंट कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, वो भी मिले मुझे, जो लोग हेल्प तो चाहते पर दूसरों की हेल्प करना नहीं चाहते हैं, खुद तो हेल्प लेना चाहते पर दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते, कुछ कुछ ऐसे देखा हूँ मैंने, एक दो ही मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, बाकी सारे अच्छे होते हैं, है ना। और बिहार के लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बिहार के, यूपी के लोग आते हैं कैंसर का इलाज करवाने, और सबसे ज्यादा मुझे तो वेस्ट बंगाल के लोग मिले हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कैंसर है तो कुछ एक साल दो साल लगेगा, ठीक है, हो सकता है आपका ट्रीटमेंट हो जाए। अभी तो क्या है अमेरिका में कुछ वो ट्रायल फेज कंप्लीट हुआ है, तो वो भी है, वहाँ से भी दवाइयाँ अभी भारत सरकार अभी आएगा, अपने इंडिया में भी आएगा तो भारत सरकार लेके आएगी, तो वो भी फ्री हो जाएगा कुछ टाइम बाद, या फिर बहुत नॉमिनल चार्जेस में मिलेगा, तो इलाज करवाओ, ऐसे मरने से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा 80-90% कम से कम 80-90% लोग ठीक होके जाते हैं, ठीक है, जो अगर मान लो जिसका इनिशियल फेस है, मतलब स्टार्टिंग में स्टेज उनका पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, तो ये अगर स्टेज चल रहा है तो ये समझो कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब ये तो यार बीमारी पर भी डिपेंड करता है, ऐसा कन्फर्म कोई नहीं कह सकता ठीक हो जाओगे, बट हाँ 90-80% संभावना है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो इलाज करवाओ ठीक हो जाओगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं तो हमको बोला है कि 3 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है, और रूटीन चेकअप में आना है, अभी तो कीमो वहीं लगवाना है, कीमो लगवा सकते हैं हम, उन्होंने रेफ़र कर दिया है, भोपाल में कीमो लगेगा हमारा, और 2 कीमो लगेगा उसके बाद फिर आना है, और जेनेटिक का अगर रिपोर्ट आ जाता है तो 3 महीने से पहले फ़ोन लगा के अपॉइंटमेंट कर लेना है,
कंफर्म अपॉइंटमेंट ले लेना अगर रिपोर्ट आ जाती है तो, और रिपोर्ट आ जाने के बाद अपने को यहाँ आ जाना है, डॉक्टर से दिखाना है, फिर डॉक्टर अपने को दवाइयों के बारे में बताएगा, कुछ बाहर की जो दवाइयाँ हैं वो लाने के लिए बोल रहे थे वो कि वो देंगे डोज, तो बस और क्या, यही करना है, भोपाल जाना है, कीमो लगाना है और फिर वापिस आना है, तो ये तो चलता ही रहेगा और ख़त्म होने की संभावना है बोल रहे हैं अभी डॉक्टर। ये लगा हुआ है मुंबई का ट्रैफिक पूरा लंबा चौड़ा, ट्रैफिक तो बहुत होता है यार मुंबई में। और ये मार्केट है पूरा दर्शन, कौन सा मार्केट है? माटुंगा जो मार्केट है ये माटुंगा मार्केट है, मुझे तो नहीं पता पर अंकल जी बता रहे हैं कि माटुंगा मार्केट है। अंकल जी इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया है, यूपी में है, तो कौन कौन इलाहाबाद से हो बताओ भाई, प्रयागराज से कौन कौन हो कमेंट में बताना मुझे, है ना। तो ये अंकल जी हमारे इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद में क्या यमुना और किसका जोड़ है? यमुना और गंगा, यमुना और गंगा का संगम है। देखो अंकल जी इलाहाबाद से हैं, यमुना और गंगा का संगम स्थान है प्रयागराज, तो इतनी तो जानकारी होनी चाहिए सभी को कि प्रयागराज किसका संगम है, संगम स्थान है। पीछे मम्मी बैठी हुई है, बैग रखा हुआ है हमारा और बस चल रहे हैं अभी। तो हमारा जो ट्रेन है वो है 3 बजे का और हम लोग निकल गए 12 बजे घर से, 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे स्टेशन में, 1 बजे तक स्टेशन में पहुँच जाएंगे और जो ट्रेन है वो 3 बजे है, तो यहाँ से जाएंगे, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, खाना कुछ खाया नहीं है, जल्दी जल्दी निकला है नहा धो के, तो खाना खाएंगे तो आराम से हमको 2 बज जाएगा, 1 घंटा वेट कर सकते हैं क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 तो आराम से बच जाएंगे हमको इधर ही काम में, कुछ खाएंगे और थोड़ा बहुत घूम लेंगे और क्या यार, मुंबई आए थोड़ा बहुत घूमे नहीं तो क्या फ़ायदा, दादर में घूम लेंगे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉलेज वगैरह है, सब स्टूडेंट लोग खड़े हैं, तो मुझे तो नहीं पता कौन सा कॉलेज है, अंकल जी को पता है? बिलिंदर कॉलेज करके कोई है, तो वहाँ सारे स्टूडेंट लोग खड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हाँ, और क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग और आर्ट्स की नहीं होती पढ़ाई? हाँ वो इंजीनियरिंग है आर्ट्स की है, मुझे तो नहीं पता, अंकल जी जितना बता रहे हैं उतना ही मैं भी बता रहा हूँ। बिलिंगकर कॉलेज हाँ ये है, अच्छा बिलिंगकर है क्या? बिलिंगकर कॉलेज है, ये बहुत बड़ा कॉलेज है पूरा, ऐसे दिखाता हूँ ये वाला, ये कॉलेज है, गेट है ये वाला और ये, तो यहाँ से ये कॉलेज वाला पूरा गली है ये पूरा, यहाँ 3-4 कॉलेज है, तो ठीक है अब हो गई हमारे फ़ोन की स्टोरेज फुल। भैया हमको छोड़ के चले गए, ये भैया जा रहे हैं और ये हम आ गए दादर स्टेशन पहुँच गए, अब अंदर जाएंगे, टिकट कंफर्म हो गई है, एक बाकी है और कुछ खा लेते हैं पहले, तो ये इधर पूरा मार्केट है और इधर ये मंदिर है, तो प्रभु को प्रणाम, ये मंदिर है और ये इधर भी सब टैक्सी लगी हुई है, यहाँ से टैक्सी में जा सकते हैं अपन। भाई मुंबई के स्टेशनों में भीड़ देखो कितनी सारी है यहाँ पर, इधर से लोग निकल के आ रहे हैं, ट्रेन आई होगी कोई, भयंकर भीड़ है यहाँ पर, और इधर साइड है ये फ़ोन मिलते हैं भाई चोरी के, मैंने बताया ना डमी फ़ोन मिलते हैं, आईफोन डमी भी मिलते हैं, चोरी के भी मिलते हैं, मत लेना यार फंस जाओगे किसी दिन, और एक ही सजेस्ट करूँगा मत लेना, बाकी और कुछ नहीं, अब जिसको लेना है वो तो मेरी बात मानेगा नहीं, पर मैं कहता हूँ कि कम पैसों के चक्कर में फंस मत जाना, डमी फ़ोन मिलते हैं और
चोरी के होते हैं, तो चोरी में क्या पकड़ा जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पकड़ाते, पकड़ा जाते हैं। तो ये है दादर स्टेशन, और दादर स्टेशन के इधर में ये सारा स्ट्रीट फूड है, यहाँ खा सकते हो कुछ भी। कुछ भी में क्या क्या है, तो चाय है, दावेली है ना, दावेली है, छोले भटूरे हैं, और ये भाई हाई कर रहे हैं तो हाई कर लो सभी, और उधर पता नहीं क्या है। तो ये फास्ट फूड है, ये भाई सब लोग हाई कर रहे हैं, और सैंडविच वगैरह भी है, और फ्रूट्स वगैरह का भी सलाद वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एक छोले भटूरे ऑर्डर, ये छोले भटूरे हम कर रहे हैं ऑर्डर। तो कितने का एक प्लेट है, 50 रुपए की तीन पीस आएगा सर, 50 रुपए की एक प्लेट है जिसमें तीन, गरम 50 रुपए की एक प्लेट है, तो लगा दो भैया एक प्लेट। ये अपन एक प्लेट छोले भटूरे ले लेते हैं, और ये दाबेली है, दाबेली भी देखेंगे, एक प्लेट लगा दो ना, हाँ एक प्लेट लगा दो, ये हाफ प्लेट लगाओ ना यार, तो ये आ गई अपनी थाली, एक प्लेट छोले भटूरे। चलो अब टेस्ट करते हैं। तो एक भैया मिले, भैया पूछते हैं भाई क्या चैनल है तुम्हारा, मैंने अपना चैनल का नाम बताया, पता नहीं वो शायद सब्सक्राइब करेंगे, तो देखते हैं। चलो अभी तो हम छोले भटूरे खाते हैं फिलहाल, ये छोले भटूरे, ये है मम्मी, तो हो गया हमारा छोले खत्म, अब पेमेंट कर देते हैं। तो मम्मी ले रही है ये फ्रूट्स का पिटारा, इसके बाद मम्मी ने लिया ये, कहाँ गया, ये कितने का भैया, तो 30 रुपए का है ये, 30 रुपए का काफ़ी अच्छा है यार, कम दाम में अच्छा। तो चलो भैया को पेमेंट कर देते हैं। तो ये मम्मी की हरकत देखो, ये यहाँ खड़ी हैं और बैग वहाँ है, देख रहे हो मम्मी बैग कहाँ छोड़ के आए हो। तो यहाँ ये नींबू भी है, नींबू पानी भी है, फ्रूट्स का सलाद वगैरह भी है, पानी पूरी भी है, ये सब दादर स्टेशन के सामने है, और ये है सैंडविच वगैरह है यहाँ पर, और वहाँ तो मैंने बता दिया छोले भटूरे हैं। खैर एक प्लेट छोले भटूरे मैंने खा लिया, मम्मी खा रही है फ्रूट्स, और चलो अब आगे का चलते हैं। भैया नींबू पानी कितने का, 15 रुपए ले सकते ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है तो एक लगा दो नींबू पानी। तो यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या भैया एक बार बता दो, नींबू पानी है, सोडा है, नींबू पानी है, सोडा है, एप्पल जूस है, रोज मिल्क है, मैंगो है, एप्पल जूस है, और रोज मिल्क है, मैंगो है, सब कुछ है दादर के सामने, दादर स्टेशन मुंबई के सामने। तो यहाँ काफ़ी अच्छा है स्ट्रीट फूड का, ठीक है आप लगा दो एक नींबू पानी, भैया लगा रहे हैं हमारे लिए नींबू पानी, दिख नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं। मम्मी बैग पास जाओ, मम्मी को मैं 2 बार बोल चुका हूँ, मम्मी जा नहीं रही है बैग के पास, बस यहीं खड़े हो सारे, जाना जल्दी जाना।
देखो कोई बैग लेके भाग जाएगा, मम्मी जा ही नहीं रही है। बहुत टेस्टी था। तो हो गया हमारा नींबू पानी, चलो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ जो था हमने खा लिए, अब हम निकलते हैं। बैग कौन रख लेगा, मुझे ही रख लेना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं, अब आगे क्या है देखते हैं। तो ये सारा मार्केट है पूरा, यहाँ पर क्या है रेस्टो है यहाँ पर, फिर वही रहने वाला करेगा। नहीं ये मैं लेके जाऊंगा, ये जो है तो बैग की बड़ी दिक्कत है यार। यहाँ भाजी पाव पाव भाजी सब है, मोबाइल का है, एक्सेसरीज है। ये है कुछ रिफ्रेशमेंट, यहाँ भी खाने के लिए खाए कुछ रेस्टोरेंट है। चलो तो सैंडविच वगैरह है यहाँ पर, तो मम्मी को तो नहीं खाना है, मतलब मम्मी को तो नहीं खाना है, मैं तो खा ही सकता हूँ। ये यहाँ पर कुछ देखा, होटल विशाल पाव भाजी रोटी आइटम, हाँ ये है, यहाँ से खाते हैं अपन। चलो बैग कोई लेके चल जाएगा, यहीं बैठ जाता हूँ। बैठो यही है, आ जाओ मेन्यू दे दो ना। तो ये भैया हमको खाना देंगे, और कौन कौन भाई है। चलो ये आ गया मेन्यू, मम्मी देख रही है क्या खाना है, ऑर्डर तो मैं ही करूँगा। तो ये आ गया मेनू, और ये होटल है यहाँ पर दादर के सामने। तो हमने किया है अभी पालक पनीर ऑर्डर, पालक पनीर है तो पालक पनीर ऑर्डर किया है। तो पालक पनीर में हमारा जो है 105 रुपए की है पालक पनीर यहाँ पर, और रोटी है 8 रुपए की। ये दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर पालक पनीर है सेकंड नंबर पे, पालक पनीर है 105 रुपए की और रोटी है 8 रुपए की। तो विदाउट बटर है, तो बटर तो यार वैसे ही मैं बाहर की बटर खाता नहीं हूँ, वरना मम्मी खाती है। तो बटर तो हम लोगों ने मतलब नॉर्मल चपाती मंगवाया है, 8 रुपए की है चपाती, और पनीर पालक है 105 रुपए। तो ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आएगी, अच्छे से बैठ जाते हैं उसके बाद। हाँ नहीं बना नहीं थोड़ा, हाँ फ्राई व्राई करके लाएँ, बनो ही रखो। मम्मी पूछ रही है बना रखा है या फिर बनाएंगे, तो हो सकता है बना रखा हो उसको फ्राई करके ला देंगे, या तो फिर बनाएंगे फिर से। रखा होगा तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं रखा होगा तो टाइम लगेगा, बनाएंगे तो टाइम लगेगा। और क्या मोबाइल वाले के तो लंच को टाइम होगा, रात को हाँ। ये होटल के सामने वो डमी फ़ोन मिलते हैं आईफोन के, समझ रहे हो, डमी फ़ोन और चोरी के फ़ोन मिलते हैं, हम जहाँ बैठे हैं उसके सामने। कल वो रहे थे, हम गए थे, क्या लंच का टाइम हो गया नहीं, हाँ
रहता है। तो भैया बोल रहे हैं एकदम बकवास, नहीं लाना है क्या तुमको? ठीक है ठीक है। तो हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है ना यार, अब जो 1 लाख की चीज़ है वो 5,000-10,000 में कोई दे रहा है। तो वो डमी फोन होते हैं, तो पहले देख लो परख लो, आईफोन की जो आईडी होती है वो चेक कर लो, उसके बाद लो। चोरी का भी है तो ऐसे कैसे ले लोगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हाँ कुछ क्लोन है कुछ चोरी का है, तो जो क्लोन वाले होते हैं वो तो सामने से दिख जाते हैं, पर जो चोरी का होता है उसमें ऐसा होता है भाई पकड़ा जाते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि 1 लाख के फ़ोन के लिए इंसान एफर्ट्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है 20,000 के लिए इंसान ठीक है यार 20,000 का फ़ोन है तो एक केस करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, छोड़ देंगे। बट 1 लाख का 1.5 लाख का फ़ोन होता है ना, उसमें एफर्ट्स लगाते हैं इंसान। अगर मेरा फ़ोन है तो मैं तो एफर्ट्स लगाऊंगा ना, मैं ढूंढने के लिए पूरा ट्राई करूंगा, ये चीज़ें ज़रूरी है, कभी ना कभी पकड़ा जाएंगे, समझ रहे हो? पकड़ाएंगे कैसे? IMEI नंबर होता है ना, IMEI जो नंबर होता है फ़ोन में उससे पकड़ाते हैं, समझ रहे हो? तो फ़ोन वोन लेने का नहीं, जो 5-10 हज़ार में आईफोन मिलते हैं बिल्कुल नहीं लेने का, समझ रहे हो? उससे अच्छा है कोई पहचान वाले से लो, पहचान वाले से फ़ोन लो जिसने पहले लिया है उससे ले लो, तो वो बेटर है। इधर बाहर से ऐसे ऐसे दुकानों से बिल्कुल मत लो। तो अभी हम जिस टैक्सी में आए ना, उसमें हमको लगा था 180-200 रुपये लग जाएंगे, पर एक्चुअल में हमको जो लगा ना वो 130 रुपये लगा, बांद्रा से यहाँ तक का 130 रुपये लगा। वो डिपेंड करता है अपने टाइम पर, ट्रैफिक कितना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है, मतलब वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हम लोग आए, अच्छा फैमिली बिहेवियर था उनका, अच्छा था, मतलब बातें कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, बता रहे थे सब कुछ, और 130 रुपये में उन्होंने छोड़ दिया हमको यहाँ। और मीटर से ही चलता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मीटर देखो जितना बिल हुआ, 25 रुपये पर किलोमीटर का शायद चल रहा है अभी चार्ज, मैंने 25 रुपये पर किलोमीटर का देखा था, और बस मीटर के हिसाब से चल लो। मुंबई में यार यही क्या करो, ओला उबर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ओला उबर करने का। हाँ ये है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ओला उबर कर सकते हो, पर सिक्योरिटी भी यार वो ठीक है, रिकॉर्ड में रहता है, रिकॉर्ड रहता है कहने का मतलब, तो उसको अगर कभी कुछ होता है तो पुलिस को ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि रिकॉर्ड रहता है ना, गाड़ी नंबर रहती है, इंसान जो ड्राइवर रहता है उसकी भी सब डिटेल रहती है ओला उबर वाले पास, है ना। आ गया पालक पनीर हमारा, मम्मी को लगी भूख, टेबल पे तीखा ज्यादा है। तो हम अभी पहुंच गए रेलवे स्टेशन के अंदर, ये जा रही है लोकल और हमें अभी रेलवे स्टेशन के अंदर, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो गई है फुल, मैं कॉपी कर रहा था, बैंड बज चुकी है उसकी। तो अपने साथ हो गया लोचा, मेरा है B1, मेरा है B5 में, जो वेटिंग था B5 में हुआ है, मम्मी का है B1 में। S6, 7वां, S5, 8वां, S4, 9वां, S3, 10वां, S2, 11वां, S1, 12वां, B3, 13वां, B2, 14वां, B1, 15वां, A1, RMS and